लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गोल मार्केट काउंटिंग सेंटर पहुंच गए हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर कई आशंकाएं जताई हैं। आप नेता ने बातचीत में कहा कि हमारा मकसद है कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर 3 यूनिट का सीरियल नंबर 17 सी दे रहे हैं तो वो काउंटिंग के दौरान नजर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपना सिर मुंडवाने वाली पोस्ट के पीछे की वजह भी बताई है। सोमनाथ भारती ने खास बातचीत में कहा कि हमारी तैयारियों में कोई छुपी हुई चीज नहीं है। जिस प्रकार से वोटिंग हुई है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मतदान केंद्र से हम 3 सीरियल नंबर 17 सी में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं आपको तो 17 सी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। काउंटिंग के दौरान जो भी बॉक्स खुलने उसका वीपैट नंबर और यूनिट नंबर वोट नंबर मैच करना चाहिए। अगर गड़बड़ी नजर आई तो मतलब गड़बड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जो हम देख रहे हैं पहले चरण के 11 दिन बाद 6% मतदान बढ़ा दिया। हम सिर्फ कानून फॉलो करना चाहते हैं। इन्होंने 5 दिन बाद वर्कर्स को ईवीएम निगरानी की अनुमति दी है। पहले ये बोल रहे थे कि उम्मीदवार खुद या उसके पोलिंग एजेंट ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए बैठेंगे, पर रविवार को इन्होंने इसकी अनुमति दे दी। अब हमने पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। कल से 2-2, 3-3 वर्कर्स की 6-6 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। आज सुबह पुलिस ने हमारे वर्कर्स को बाहर भी कर दिया। जिस तरह से भाजपा ने माहौल बनाया है, अगर ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्ट ना करे तो गड़बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।